एक गांव में एक छोटा सा कुड़िया था। वही कुड़िया में एक गरीब आदमी और उसका औरत रहा थी। एक दिन रसोई करने के लिए लकड़ी नहीं था। सूखा लकड़ी आनने के लिए औरत ने गरीब आदमी को बोला। गरीब आदमी ने उसका एकमात्र कुराड़ी लेकर जंगल को चल गया सूखा लकड़ी जुगाड़ करने के लिए। गरीब आदमी के घर के पास एक जंगल था। वही जंगल में सूखा लकड़ी पड़ रहा था। गरीब आदमी ने लकड़ी ढूंढते ढूंढते वही जंगल में पहुंच गया। वो देखा कि एक बड़ा सूखा लकड़ी नीचे गिरा था। गरीब आदमी ने लकड़ी को देखकर खुश हो गया। आदमी ने उसका कुराड़ी निकालकर लकड़ी को काटने लगे। लकड़ी काटने समय उसका हाथों से उसका कुराड़ी फिसल गया। उसका कुराड़ी जाकर पानी में डूब गया। गरीब आदमी ने चिंतित होकर बैठ गया और रोने लगे। वो मेरा एकमात्र कुराड़ी था, मैं कैसे लकड़ी काटूंगी, मैं अभी क्या करूंगी। वही समय एक परी आकर खड़ा हो गया। आदमी को देखा तो आदमी रो रहा है। परी ने आदमी को पूछा कि क्यों रो रहा हूँ। गरीब आदमी ने सब कुछ बता दिया। परी पानी के अंदर डुबकी लगा और एक सोने की कुराड़ी लेकर आया। गरीब आदमी को पूछा कि वो तुम्हारा है क्या। गरीब आदमी ने मना कर दिया। परी ने फिर से डुबकी लगी और चांदी के कुराड़ी लेकर आया। वो बोलने लगे कि वही मेरा कुराड़ी नहीं है। परी ने फिर से डुबकी लगी, उसका कुराड़ी लेकर आया। वो बोलने लगे कि वही है मेरा कुराड़ी। गरीब आदमी का साधुता के लिए परी खुश हो गया। परी गरीब आदमी को तीनों कुराड़ी दे दिया। गरीब आदमी ने तीनों कुराड़ी लेकर खुशी से घर को चल गया।